तो बच्चों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हम सीरीज चला रहे थे उसी का एक वीडियो होने वाला है। और इससे पहले मैंने पूरा का पूरा एक बुक एक ही दिन में मैंने कवर कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए उस बुक के और आंसर भी हिंट भी बता दिए। ज़्यादातर आंसर बताने का प्रयास किया मैंने एक दिन के अंदर। अब क्या लोगे, जितना आंसर मैंने बता दिया उतना आंसर आपको एक दिन में कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है, उतना आंसर मैंने बता दिया फिर भी आपको। और आज का ये वीडियो है उसी सेकंड बुक का है, ठीक है। फर्स्ट बुक मैंने कंप्लीट करा दी, सेकंड बुक का है जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैं तीन चैप्टर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको बेल का आइकन दिखेगा उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर वन है सेकंड बुक का, जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, पहले हम तीन नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तीन नंबर वाले में, वह है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से। तो पहला है मुख्य श्रमिक, ठीक है, जिसके अंदर 183 दिन काम किया जाता है। मुख्य जो श्रमिक होते हैं वो 183 दिन काम करते हैं। दूसरा है सीमांत श्रमिक, जो कि 183 दिन से कम काम करते हैं। और तीसरा है अश्रमिक, जो कि बेरोजगार रहते हैं, जैसे कि बूढ़ा वर्ग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख क्या चुनौतियाँ हैं। समाज के समक्ष मतलब किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है उसकी क्या समस्याएं होती है समाज के समक्ष, तो मतलब समाज के समक्ष तो आपको बताना है। तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आप भी आपके अंदर से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि किशोर अवस्था के अंदर होंगे, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, पहला है निरक्षरता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल ड्रॉप कर देते हैं और निरक्षर रह जाते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो अनपढ़ रह जाते हैं। दूसरा है आपका विद्यालय विरत छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ना, वही मुझे जुकाम भी है बेसिकली थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। तो पहला है निरक्षरता, मतलब जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, यहाँ पे निरक्षरता उससे मतलब कंपेयर किया गया है। दूसरा है विद्यालय विरत, मतलब विद्यालय को छोड़ देते हैं कुछ पढ़ाई करके थोड़ा बहुत। तीसरा है विवाह की निम्न आयु, कम आयु में आपको पता है विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। चौथा है समुचित मार्गदर्शन, मतलब जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता वो एक तो ये भी वर्ग होता है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए इसका आंसर क्या है, जनसंख्या घनत्व पहले वो देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व एक्चुअली है क्या, जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, एक तो भू आकृति, दूसरा है जल की उपलब्धता, तीसरा है जलवायु, चौथा है परिवहन तंत्र का विकास, पांचवा है तीसरा जलवायु था, चौथा है परिवहन तंत्र का विकास, पांचवा है खनिजों की उपलब्धता, छठा है आपका राजनीतिक स्थिरता। ये आपके कुछ कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बताइए, ठीक है। भौतिक कारक आपको बताने हैं। तो पहला है भूपृष्ठ, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मृदा, चौथा है प्राकृतिक संसाधन और पांचवा है उच्चावच। तो ये कुछ है आपके पॉइंट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर दूसरा है, इस चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते थे, चार क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकले हैं एग्जाम से रिलेटेड हमें लगा इंपॉर्टेंट तो हमने दे दिया। बाकी एक दो क्वेश्चन और हो सकते हैं जो कि अलग से ही बना के दे दे, बट इंपॉर्टेंट हमें जितना लगा, फालतू क्वेश्चन हम नहीं दे रहे जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, तो वही दे रहे हैं जो 10 ईयर वगैरह में रिपीट हुए हैं। चैप्टर नंबर टू है जिसका नाम है प्रवास कारक और परिणाम है यार ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन निकलता है इस चैप्टर से वो ये है कि प्रवास के कारकों की विवेचना कीजिए, प्रवास के क्या क्या कारक थे उसकी विवेचना करनी है आपको। आंसर सुन लीजिए इसका, पहला है आर्थिक कारक, दूसरा है अवसंरचनात्मक कारक, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, चौथा है राजनीतिक और पांचवा है प्राकृतिक कारक। ये पांच आपके कारक है, इसको एक्सप्लेन कर देना है आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा चैप्टर नंबर टू से, हो सकता है और भी इंपॉर्टेंट हो बट हमें एक लगा, ठीक है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा अनुमान सही हो सकता है कि एक ही इंपॉर्टेंट हो, और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस हमने एक ही लिखा है, ठीक है। चैप्टर नंबर थ्री है जिसका नाम है मानव विकास, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है भारत में मानव किसान में विभिन्नता के क्या कारण है, मतलब भारत में ये जो है
मानव किसान में विभिन्नता के क्या कारण है। पहला है शैक्षिक उपलब्धियाँ, ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन भी करना है आपको। दूसरा है आर्थिक विकास का स्तर, तीसरा है सामाजिक व राजनीतिक कारक, चौथा है योजनाबद्ध विकास प्रारूप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के तीन कारक बताने हैं आपको, तीन कारण बताने हैं। तो पहला गरीबी है, मतलब नॉर्मल सी बात है। दूसरा है निम्न साक्षरता दर, तीसरा है निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, ये है पूरा का पूरा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ वंचनाओं का मिला जुला थेला है, ठीक है, इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्क देकर कीजिए। कुछ होते हैं जो मुहावरे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो यही क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, इसका आंसर आपको खुद न खुद लिखना है, ठीक है, और दिमाग से, क्योंकि इसका एक मैं आपको कोई कुछ और आंसर दूंगा और आप कुछ और आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से है। चौथा है, मानव विकास क्यों आवश्यक है स्पष्ट करें। ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर क्यों जरूरी है, वो आपको पूरा पूरा स्पष्ट करना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके थॉट कुछ और चल रहे होंगे, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आपके थॉट कुछ और चल रहे होंगे, हमारे थॉट कुछ और है, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास क्यों आवश्यक है स्पष्ट करना है। ये बस यही था, ये 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही निकलते थे इस बुक से, ठीक है, फालतू के क्वेश्चन नहीं है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हमने आपको दे दिए। एक बार और मैं आपको पीडीएफ स्क्रॉल कर देता हूँ, पीडीएफ देख लीजिए। वैसे तो ये आंसर्स, ये जो आंसर्स है ना बच्चों, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कीजिएगा, ठीक है। बस यही है, मतलब कि और क्या, इसमें जितने भी आंसर हमने आपको बताने का प्रयास किया है, इसको आप अच्छे से डिफाइन कीजिए। हमने तो सिर्फ एक हिंट के लिए आपको आंसर दे दिया है, कई क्वेश्चन में हिंट भी नहीं दिया है। इन देखिए, जैसे कि भू आकृति, भू आकृति को आप कम से कम 3 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए। जल की उपलब्धता, इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। जलवायु वगैरह एक्सप्लेन कीजिए, इन सबको पूरा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। मृदा, प्राकृतिक संसाधन, उच्चावच, भू पृष्ठ, जलवायु, इन सबको मतलब एक्सप्लेन करेंगे जब जाके आपको पूरा आंसर बनेगा, ठीक है। ये प्रवास वाले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन देने का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब भी हमने एक ही क्वेश्चन निकाला है इस चैप्टर से, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो आगे देख लीजिए, मानव विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो भारत के मानव किसान, ठीक है, में विभिन्नता के क्या कारण है, वही मानव किसान में विभिन्नता के क्या कारण है। इस तरह से मैंने आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स इसमें बता दिए, जैसे कि शैक्षिक उपलब्धियाँ, ठीक है, आर्थिक विकास का स्तर, सामाजिक व राजनीतिक कारक, योजनाबद्ध विकास प्रारूप, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, इसके आंसर होगा गरीबी, निम्न साक्षरता दर, मतलब वही है कि उत्तरी भारत का अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों की 3 कारण बताइए, वही है गरीबी, निम्न साक्षरता दर, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। इसी तरह से 5 नंबर का भी मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आपको कि भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ वंचनाओं का, ठीक है, मिला जुला थैला है, इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्क देकर कीजिए, मतलब तर्क फैक्ट के साथ बताना है। और वही है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ये आपको पूरा का पूरा बताना है। मैंने आपको दो दो बार पढ़ के बता दिया, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने पूरा का पूरा पॉलिटिकल का भी ऐसे ही फुल सिलेबस करवा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विद आंसर, विद आंसर, ठीक है, ऐसा नहीं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर छोड़ दिया। तो पॉलिटिकल का भी करवा दिया और हिस्ट्री का भी हो रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी ख़त्म ही हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एपिसोड वाले वीडियो भी आएंगे, वो जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा तब, ठीक है, इसी तरह से हम आपको करवाएंगे। तो बस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।